नमस्कार जी। एसोचम के अध्यक्ष श्रीमान निरंजन हीरानंदानी जी, इस देश के वरिष्ठ उद्योग जगत के प्रेरणा पुरुष श्रीमान रतन टाटा जी, देश के उद्योग जगत को लीडरशिप देने वाले सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, हमारे यहां कहा जाता है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजि विशेद शतम सभा, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। साथियों, बीते 100 सालों में आप आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास की यात्रा के हर उतार चढ़ाव में भागीदार रहे हैं। एसोचैम की स्थापना के पहले 27 साल गुलामी के कालखंड में बीते हैं। उस समय देश की आजादी ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। उस समय आपके सपनों की उड़ान बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब एसोचैम के जीवन में जो अगले 27 साल आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 वर्ष के बाद, आफ्टर 27 ईयर्स, 2047 में देश अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा। आपके पास बेड़ियां नहीं, आसमान छूने की पूरी आजादी है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना है। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे, और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। साथियों, आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है।
और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। ये पॉजिटिविटी आई है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के अभूतपूर्व आत्मविश्वास से। अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, हर सेक्टर के लिए सरकार की नीति क्या है, रणनीति क्या है, पहले और अभी में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर बीते सेशन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो वाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो वाई नॉट इंडिया। पहले रेगुलेशंस और रूल्स का जाल था तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे वाई इंडिया। आज वही कह रहे हैं कि लेबर लॉ में ईज ऑफ कॉम्प्लायंस है तो वाई नॉट इंडिया। पहले सवाल होता था कि इतना रेड टेप है तो वाई इंडिया। अब वही लोग जब रेड कारपेट बिछा हुआ देखते हैं तो कहते हैं वाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत होती थी कि इनोवेशन का कल्चर उतना नहीं है तो वाई इंडिया। आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत देकर दुनिया विश्वास से कह रही है वाई नॉट इंडिया। पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो वाई इंडिया। आज जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर भरोसा किया जा रहा है, विदेशी निवेशकों को एनकरेज किया जा रहा है तो वही लोग पूछ रहे हैं वाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत थी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में काम संभव नहीं तो वाई इंडिया। आज जब इतना आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम हमारे यहां है तो सेंटिमेंट है वाई नॉट इंडिया। साथियों, नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। पहली बार 10 से ज्यादा सेक्टर्स को एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आधारित इंसेंटिव के दायरे में लाया गया है। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह
बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं और लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए चल रहे सब प्रयास भी इंडस्ट्री के लिए रिवॉर्ड ही है। हमारे लाखों एमएसएमई के लिए, चाहे उसकी परिभाषा को बदलना हो, क्राइटेरिया में बदल लाना हो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में प्रायोरिटी हो या फिर लिक्विडिटी से जुड़ी समस्याओं का हल करना हो, ये भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन ही है। साथियों, देश आज करोड़ों युवाओं को अवसर देने वाले एंटरप्राइज और वेल्थ क्रिएटर के साथ है। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को, आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा। जो बदलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं, वही बदलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे। जितनी लिबर्टी, जितना इंक्लूजन, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सरकार से, सोसाइटी से चाहते हैं, उतने ही इंडस्ट्री के भीतर विमेन के लिए, युवा टैलेंट के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है। हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग तक दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द अपनाना होगा। प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही हमें उसे पर्पज ओरिएंटेड भी बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। साथियों, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन का बेहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये शहर बढ़िया है, ये सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है, ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। R&D पर होने वाला निवेश, भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा IT,
फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। साथियों, आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तेजी से रिएक्ट करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा, इसके लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना जरूरी है। इसमें आप विदेश मंत्रालय की भी मदद ले सकते हैं। कोविड से इस संकट काल में हमने देखा है कि विदेश मंत्रालय के पूरे नेटवर्क का बेहतर उपयोग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचम जैसे इंडस्ट्री के संगठनों के बीच बेहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से रिएक्ट करने के लिए, तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मैकेनिज्म बेहतर कैसे हो, इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। साथियों, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने यह कर दिखाया है। कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाइयां पहुंचाई है। अब वैक्सीन के मामले में भी भारत अपनी जरूरतें तो पूरी करेगा ही, दुनिया के अनेक देशों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। साथियों, रूरल और अर्बन डिवाइड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार बीते 6 सालों से कर रही है, इंडस्ट्री उन प्रयासों को मल्टीप्लाई कर सकती है। एसोचैम के मेंबर्स हमारे गांव के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टडी आ गई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है, ये बहुत प्रोटीन रिच है, तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं, हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में, हमारे टेबल पर, हमारी थाली में किस प्रकार से विदेशी चीजें घुस जाती है। हमारे यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती है, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके, इनके स्टार्टअप को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने
भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एमएनयू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियायत दी जा रही है, रीट्स और इन्वेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। साथियों, जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। एसोचैम के आप सभी साथियों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और एसोचैम नई ऊंचाइयों को पार करे और 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।